जब भी हम लोग बात करते हैं दोस्तों धरती के स्वर के बारे में, तो हम लोग को दो ही तीन चीज का नाम आता है, दो ही तीन जगह का नाम आता है, जम्मू कश्मीर, थाईलैंड, बैंकॉक, स्विट्जरलैंड। लेकिन दोस्तों मेरे गांव में भी एक छोटा मोटा स्वर्ग है जो धरती में साक्षात स्वर्ग के रूप में आपको दर्शन कराएंगे दोस्तों, और आपको लगेगा कि सही में ये स्वर्ग ही है दोस्तों। आप लोग को चलिए लिए चलते हैं दोस्तों घने जंगल में, और घने जंगल में एक ऐसा अद्भुत चीज दिखाएंगे जो आप लोग के मन को मोहित कर लेगा दोस्तों, और आप लोग ना चाह के भी ये वीडियो पूरा से पूरा देखेंगे। चलिए आइए मेरे साथ और आपको ले चलते हैं उस खुफिया जगह में जहाँ एक अद्भुत सा खजाना हमारे यहाँ छोटे से गांव में भी है, और इसे भी धरती के स्वर्ग से आप कम नहीं आखेंगे। इसे देख के हम आपको दावे के साथ बोल सकते हैं। तो चलिए आइए, वीडियो में बने रहिए, आइए हम लोग घने जंगल के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, आइए आराम से आइए। देखिए यहाँ बहुत कांटा भी है और बहुत बहुत ज्यादा घना जंगल है दोस्तों। जंगल बहुत ज्यादा घना है और हम लोग को घुसने में यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि ये जो अद्भुत चीज है ये आपको जंगल के बीचों बीच देखने को मिलेगा। जंगल के बीचों बीच ये आपको जंगल के पहले भाग में नहीं, जंगल के बीच वाला भाग में दिखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा घना जंगल है दोस्तों और यहाँ पे हम घुस नहीं पा रहे हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ आराम से यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, आराम से धीरे 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 जा रहे हैं दोस्तों। आइए आराम से, मेरी वीडियो बने रही दोस्तों, आराम से आइए। बहुत ज्यादा घना जंगल है और देखिए यहाँ हमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ जगह भी नहीं है, पेड़ के नीचे से हमको झुक के पार होना पड़ रहा है। और देखिए आप लोग को लिए चलते हैं, अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। इधर देखिए, इधर आराम से कुछ छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट फूल भी है, कांटेदार फूल, ये भी मेरे पैर में अभी चुभ गए थे और बहुत ज्यादा हमको अभी दर्द हो रहा है दोस्तों। आइए, बहुत ज्यादा घना जंगल है, बहुत यहाँ गड्ढा भी है, और देखिए कितना ज्यादा यहाँ तो पार होने में भी हमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। और देखिए हम यहाँ पे गिर भी चुके हैं, यहाँ पे गिर भी चुके हैं दोस्तों। भाइयों यहाँ वीडियो बहुत ज्यादा यहाँ घना है दोस्तों, वीडियो बने रहिए, लेकिन आप लोग को वो चीज हम जरूर दिखाएंगे। आइए मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, बहुत घना जंगल है। हम लोग को लग रहा है दोस्तों कि छोटा सा हम लोग को छोटा मोटा टीजर देखने को मिल जाएगा, इस अद्भुत चीज का छोटा मोटा टीजर हम लोग को देखने को मिल जाएगा। हम लोग से लग रहा है और दिख भी रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए छोटा सा टीजर आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों इस अद्भुत चीज का। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, यही चीज हम लोग को हम दिखाने खोज रहे थे, और देखिए कितना बढ़िया चीज है ये। यही चीज आप लोग को दिखाने खोज रहे हैं हम, यही चीज बहुत ज्यादा हम लोग को मेहनत लगा, बहुत ज्यादा हम लोग संघर्ष किए इसके लिए। ये है वो अद्भुत चीज, ये है वो अद्भुत खजाना, ये है हम लोग का परास का फूल जो धरती के स्वर्ग जैसा यहाँ पे सुंदरता प्रदर्शित करता है दोस्तों। और देखिए कितना बढ़िया ये फूल है, पूरा केसरिया केसरिया फूल, ये कितना बढ़िया फूल, मैंने आज तक ऐसा कभी फूल नहीं देखा था। और ये तो छोटा मोटा टीजर है दोस्तों, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि फगवा होली शुरू हो चुका है, और फगवा होली में इसी फूल के कलर का हम लोग को होली खेलना चाहिए, जो स्किन डिजीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है स्किन के लिए। तो हम लोग इसको छोटा सा टीजर को देख सकते हैं, ये तो छोटा सा टीजर है दोस्तों, ये आराम से हाथ से भी तोड़ सकते हैं ये। और ये देखिए कितना बढ़िया पेड़ है, आराम से बैठ के इसको तोड़ सकते हैं, ये कितना बढ़िया पेड़ है देखिए। सिर्फ आप लोग के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए इतना बारीकी से दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है, इतना बारीकी से आप लोग को दिखा रहे हैं, पूरा तह तक देखिए इसका क्या है, इसका गुण कितना बढ़िया, देखने से जब लग रहा है इसका तो गुण इसका कितना बढ़िया होगा आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना बारीकी से आपको। इस अद्भुत चीज का टीजर तो आप देख चुके हैं, लेकिन ट्रेलर हम आपको जरूर दिखाएंगे, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। और आइए मेरे वीडियो में घने जंगल में फिर से एक बार चलते हैं, और घना जंगल में चलते हैं, और देखिए कितना बड़ा घना जंगल है यहाँ पे। टीजर तो आप लोग देख चुके हैं, लेकिन ट्रेलर देखने के लिए हम लोग को और अंदर घना जंगल में घुसना होगा, तो हम लोग चलिए और अंदर घने जंगल में घुसते हैं। देखिए यहाँ कांटेदार पौधा भी है और चारों तरफ पेड़ पौधा भी है यहाँ पे दोस्तों। जंगलों में हम लोग यहाँ सो के हम लोग पार होना पड़ रहा है दोस्तों, यहाँ बहुत ज्यादा घना जंगल है और हम लोग यहाँ सो के पार हो रहे हैं दोस्तों। और देखिए हम लोग फाइनली जाएंगे, आपको ट्रेलर जरूर दिखाएंगे, हम लोग कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी समस्या का हम लोग हो, लेकिन हम लोग आपको जरूर दिखाएंगे, हम लोग कितना भी समस्या का सामना करना पड़ेगा, हम लोग आपको जरूर दिखाएंगे वीडियो, ट्रेलर आपको जरूर दिखाएंगे उस अद्भुत खजाने का। और हम लोग बाहर निकल चुके हैं, अब चलिए हम लोग ट्रेलर दिखाने के लिए आपको ले जाते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग घने जंगल में आ गए हैं, और इसका ट्रेलर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका ट्रेलर देखिए क्या अद्भुत खजाना है। ये परास का फूल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फायदेमंद चीज है, और ये धरती का स्वर्ग जैसा शोभित करता है मन को और तन को भी। और देखिए कितना बड़ा घना है, कितना चारों तरफ घना है, यहाँ चारों तरफ फूल बिखेरा हुआ है, चारों तरफ अपना पूरा सुंदरता को बिखेरा हुआ है, पूरा एकदम
सुंदरता यहाँ है चारों तरफ, और आपको दिखाते हैं। ओ ट्रेलर बहुत ज्यादा है, चलिए आइए मेरे वीडियो बने रहिए दोस्तों। आइए आइए हम ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते और देखिए ट्रेलर यहाँ भी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सब जगह है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ट्रेलर, ये देखिए चारों तरफ ये है, चारों तरफ परास का फूल है। और आइए आपको और आगे दिखाते हैं, इधर भी पूरा परास का फूल है। और देखिए बहुत ज्यादा है, हम लोग यहाँ इसको ले भी जाएंगे आज घर। ये वीडियो आप लोगों को दिखाने का एक ही मकसद था कि प्रकृति से जुड़े रहिए, प्रकृति से छेड़छाड़ मत कीजिए, और प्रकृति के चीज को ही आप लोग दैनिक जीवन में उपयोग कीजिए। जैसे कलर के रूप में आप इस फूल का, पलाश के फूल का आप कलर बना के आप इसका यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा स्किन पे, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और कोई भी तरह का स्किन वाला डिजीज आपको ठीक कर देगा ये पलाश के फूल वाले कलर से। तो आप लोग से ही विनती है कि हमेशा प्राकृतिक चीज को ही यूज कीजिए, कृत्रिम रंग का यूज नहीं कीजिए, जो केमिकल से बनता है इसका यूज नहीं कीजिए, प्राकृतिक वाला कीजिए। इसमें पैसा भी नहीं लगता है, इसमें आप लोगों को पैसा भी नहीं लगेगा, आपका मेहनत, और आपका मेहनत से ये आपको फायदेमंद करेगा। तो दोस्तों आइए अब हम लोग चलते हैं इसको चुनने के लिए, और चुन के पूरा गांव को बांटेंगे इस फूल को, और अपने घर में भी ले जाएंगे और इसे कलर बनाएंगे। इस फूल को हम लोग एक प्लास्टिक पूरा भरेंगे, ये प्लास्टिक बहुत बड़ा है, एक क्विंटल का प्लास्टिक है, पूरा एक क्विंटल फूल भरेंगे। और इस फूल से हम आदमी लोग को एक संदेश देंगे कि हमेशा प्रकृति से जुड़े रहिए, प्रकृति से छेड़छाड़ मत कीजिए, और प्रकृति से उत्पन्न चीज का ही यूज कीजिए आप लोग, तभी आप लोग इस दुनिया में वातावरण को संतुलित बना के रखेंगे, और वातावरण भी आप लोग को संतुलित बनाए हुए रखेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब और थोड़ा सा आप लोग को दिखाते हैं और फिर हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है फगवा होली, हम लोग अब घर की ओर चलते हैं दोस्तों। टाइम हो गया है, बहुत ज्यादा आज टाइम लग गया वीडियो बनाने में। और ये फूल यदि आप लोग को थोड़ा सा भी अंदर से बढ़िया लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और ये आप फिर से एक बार स्वर का दर्शन कर लीजिए, मेरे गांव के छोटा सा स्वर का दर्शन कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, ठीक है।